हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चैंप की प्रोटेक्निकल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश जो मुफ्त लैपटॉप योजना 2021 का शुभारंभ किया गया है, उसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना 2021 ऐसे भरे ऑनलाइन फॉर्म लाइव डेमो के साथ, यानी मैं आपको इस वीडियो में एक कैंडिडेट का लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है ताकि आपका फॉर्म सही तरीके से सिलेक्ट हो सके, रिजेक्ट न हो। तो सारी चीजों को इसमें बखूबी अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ है और हर एक पॉइंट को हमने क्लियरिफाई किया हुआ है। इसकी ट्रस्टनेस के लिए इसका जो ऑफिशियल वेब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कल के डेट में 11 नवंबर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर दिनांक 11 नवंबर 2021, यानी कल की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये आपके लिए है नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास के लिए दिखा रहा हूं कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किया गया है। अनेक जो भी विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय कॉलेजेस हैं, उनको एक नोटिफिकेशन बकायदा जारी किया गया है, उनके प्रिंसिपल को, प्रबंधक को, और उनको बकायदा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपको स्टूडेंट का इस फॉर्म को फिलअप करवाने के लिए क्या क्या चीज प्रोवाइड करवाना है और उनको क्या क्या डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेवा में समस्त अधिष्ठता विभागाध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, प्राचार्य प्रबंधक है ना, और विषय जो है उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू किए जाने हेतु छात्रों को निर्धारित प्रारूप पर डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में। और यहां पे बकायदा लिखा गया है विश्वविद्यालय परिसर के पंजीकृत छात्र निर्धारित संलग्न प्रारूप में ऑनलाइन है ना अथवा ऑफलाइन फॉर्म संबंधित कार्यालय तथा स्नातक छात्र संकाध्यक्ष कार्यालय प्रास्नातक एवं सो छात्र संबंधित है ना नवंबर 2021 तक संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए छात्र छात्राओं की संकलित डाटा के प्रदेश प्रशासन समय अनुसार प्रसिद्ध किया जा सके। यानी उनको बताया गया है कि जितने भी फॉर्म भरेंगे बच्चे, उनका जो डाटा है वो आप विभागाध्यक्ष को, विभाग को प्रोवाइड करवाएंगे। उसका डेट भी दिया गया है, ये लास्ट डेट है ना। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु लिंक केवल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, यहाँ पे लिंक है DDU गोरखपुर.com है ना / करके, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उसके बाद से आपको जो जरूरी कागजात क्या है वो मैं बताता हूँ। ये प्रतिलिपि उन लोगों के लिए जो उनके मतलब विभाग के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए संलग्न किया गया है कि उन सभी लोगों को प्रेषित किया जा रहा है। अब देखिए मेन डाटा, देखिए आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ये सारा स्टूडेंट नेम, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, ये सारा चीज चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट यानी अंक पत्र चाहिए, प्रवेश रसीद की छाया प्रति, यानी जब एडमिशन लेते हैं तो आपको एक स्लिप मिलता है, आप फी वगैरह जमा करते हैं वो चाहिए, आधार कार्ड की छाया प्रति, निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको चाहिए और आपका हस्ताक्षर चाहिए। ये सारा डाटा रहेगा तो आप फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। तो चलिए ये रहा बेसिक जानकारी और ट्रस्टनेस के लिए कि हाँ विश्वविद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कॉलेजेस को सर्कुलर जारी हो चुका है, विश्वविद्यालय के जो भी आपके विभाग के लोग होंगे उनको तरफ से ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि फॉर्म को भरेंगे कैसे। चलिए तो मेरे पास यहाँ पे जो लिंक है मैंने उसको कॉपी कर रखा है, इसको हमने पेस्ट किया और इसको एंटर किया। यह लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्म को लाइव डेमो के साथ भरते हैं ना, और इसका प्रिंट आउट निकाल के क्या क्या सबमिट करना है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप वीडियो का स्किप नहीं करेंगे, आपको लगा कि ये सारा चीज जो जेन्युइन है वो तो दिख रहा है, हम भर लेंगे स्किप करेंगे, नहीं, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फटाफट यहाँ पे नाम जो है, चलिए मान लीजिए एक कैंडिडेट का फॉर्म है उसका नाम है विवेक कुमार, यहाँ पे फादर नेम जो भी है चलिए यहाँ पे डाल लिया हमने, मदर नेम जो है यहाँ पे, जेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद से यहाँ पे जो ईयर जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ईयर आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका जो ईयर है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से मंथ, उसके बाद से डेट और ये अप्लाई हो जाएगा। फिर आधार नंबर यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है, जो भी आपका आधार नंबर हो आपको यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद से मोबाइल नंबर डालिए है ना, जो भी आपको मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल लीजिए, फिर ईमेल आईडी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब डाल लीजिए जो भी आपका ईमेल आईडी हो, एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपका एड्रेस हो यहाँ पे, फिर ब्लॉग डालना है ना, अपना ब्लॉग डालिए, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट डालिए है ना, उसके बाद से यूनिवर्सिटी नेम डाल लीजिए, तो जैसे DDU गोरखपुर है ना, उसके बाद से देखिए इंस्टीट्यूशन नेम में ऑलरेडी ये भरा हुआ आ रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, राइट। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो उसको लिंक आपको वहां पे
अलग लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस सारा सेम है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं या विनोबा यूनिवर्सिटी से हैं या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, तो सेम प्रोसेस सारा डॉक्यूमेंट्स यही होगा। बस आपको ये जो लिंक मिला है ना डेली वेस्टर्न फ्री लॉन्ग, वैसे आपकी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और ये सारा फॉर्म इस तरीके से भर रहे हैं। मतलब अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उनका लिंक आपको आगे मैं वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में वहां दे दूंगा, या आप सर्च कर सकते हैं कि लैपटॉप योजना लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो इससे वीडियो से आपका काम चलेगा, आपके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। इसी वजह से स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर ये बहुत जरूरी चीज है। जब आपका एडमिशन होता है ना, जैसे बीएड बीटेक के लिए, तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिलता है, आप कॉलेज से यहाँ पता कर लेंगे, तो जो भी आपके एनरोलमेंट नंबर होगा आप यहाँ पे डालेंगे। नेम ऑफ कोर्स यानी किस चीज के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, यानी आप बीटेक कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो जो भी आपका कोर्स होगा यहाँ पे कोर्स लिख लेंगे। चलिए इस लड़के के बीएड का हम फॉर्म भर रहे हैं। उससे लेवल ऑफ कोर्स यानी वो किस कोर्स के अंतर्गत आता है, ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है या पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा, यानी अगर बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएट हो गया, या बीटेक कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, बी नर्सिंग कर रहे हैं, ये सारे ग्रेजुएट के अंदर आएंगे, और बीएड भी ग्रेजुएशन के अंदर आना है, यानी ग्रेजुएट की डिग्री है। अगर एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हैं तो आप यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, और आप आईटीआई पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो यहां पे डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से लेवल ऑफ इनरोल्ड इन, यह जो चीज है आप अच्छे से समझेंगे, लेवल ऑफ इनरोल्ड यानी कब आप वहां पे एडमिट हुई, यानी आपने एडमिशन लिया, मैंने किस स्तर पे आपने इंटर में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन में लिया, जहां लिया, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि किस चीज में आपने एडमिशन लिया, ठीक है। उसके बाद से करेंट कोर्स ईयर, जो आपका अभी जैसे मान लीजिए 3 वर्षीय कोर्स होता है बीए बीएससी, तो यहाँ पे आपका करेंट कोर्स ईयर क्या है, यानी सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो जो भी आपका ईयर है जैसे 2019-20, 21-22, तो करेंट कोर्स ईयर आप यहाँ पे 2021 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से फी ड्यू इफ, यानी क्या आपका फी बकाया है, तो नहीं, आप यहाँ पे 0 डालेंगे, हमारा फी बकाया नहीं है। फी एनओसी मिला है, यानी आपको नॉन क्लियरेंस होता है ना, जैसे कि आपको कोई फी बकाया नहीं तो आपको एनओसी मिलता है, तो बोले कि हाँ हमें एनओसी मिला है, यस। और उसके बाद से यहाँ पे फोटो अपलोड करना है और नीचे सिग्नेचर। अब फोटो में देखिए, जो फोटो होनी चाहिए वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए, और 100 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। अगर 100 KB से कम होगा फिर फोटो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, और 150 KB से अधिक होगा वो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और सिग्नेचर भी सेम वही चीज है, तो आपका 100 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए, हमने फोटो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है 100 KB से 150 KB के बीच का। चलिए यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं, अभी आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए कि आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या आगे करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। ओके दोस्तों, चलिए ये रहा फोटो, हम आपको यहाँ पे अपलोड करते हैं। चलिए ये फोटो हो गया, चलिए उसके बाद से यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर वाले पे क्लिक करेंगे, और यहां से हम सिग्नेचर जो होगा यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सेकंड। चलिए ये रहा सिग्नेचर, ठीक। उसके बाद से सेव पे क्लिक करना है, जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, अब ओके करना है। ओके करने के बाद से ये आपका सारा डाटा यहाँ पे शो कर देगा जो भी आपने फॉर्म को भरा है। अब इसको आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है ना, ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा, इसका कॉपी 2-3 कॉपी आप निकाल लेंगे, है ना। और उसके बाद से क्या करना है, इसको अपने इस रिसीविंग को और जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताया था नोटिस में, आपको यहाँ पे बकायदा बताया था कि नोटिफिकेशन में आपको ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट, प्रवेश रसीद, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 2 पर्पस साइज, ये फोटो और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने विश्वविद्यालय अपने कॉलेज में ले जाकर जमा करना है, ताकि वहां के लोग उसको आगे फॉरवर्ड कर सके। इस तरीके से आपको इस मुफ्त लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा दोस्तों। इस पे बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आऊंगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके, है ना। बीच में कोई अपडेट आता है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो बनाते ही लिंक आपको वहां पे चले जाए। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टट्टा बब्बा, जय हिंद, जय भारत।